सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सैमसंग फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैसे आप सैमसंग फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ में आपको ये भी बताऊँगा आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को सुन कैसे सकते हो, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले के, जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 60 लाइक आपको करवाने हैं। मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको फ़ोन के डायलर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है 3 डॉट पे। यहाँ पर ऊपर देखोगे राइट में, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग कॉल्स, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपके फ़ोन में ये बंद होगा तो उसको ऑन कर। यहाँ पर ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सेटिंग कर पाओगे, कैसे आप सेटिंग करनी है, मतलब कौन सी आपको कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे अनसेव नंबर, जब आपके फ़ोन में कोई अन्य नंबर से आपको कॉल आएगी या आप करोगे तो यहाँ पर उसकी कॉल जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर करते हो, अगर आप चाहते हो वही नंबर कॉल रिकॉर्ड होए बाकी कोई ना होए, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट नंबर पर क्लिक करके तो सिंपली यहाँ पर आप देखोगे ऑटो कॉल रिकॉर्ड नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो नंबर यहाँ पर आपको डायल कर देना है जिस भी नंबर पर आप करना चाहते हो। अगर आपको रिसेंट अभी अभी कॉल आई है उसका नंबर करना है तो रिसेंट पर आपको क्लिक करके वो नंबर निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कॉन्टैक्ट्स के नंबर पर आपको करना है तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके वो नंबर आपको सेलेक्ट करना है जिस पे नंबर पर आप चाहते हो वो नंबर का कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो जहाँ मान लो यहाँ पर ये वाला नंबर है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मतलब कि जो भी कॉल ये बंदा करे या मैं करूँ कॉल रिकॉर्ड हो जाए, तो सिंपली आपको करना है डन सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई नंबर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको माइनस पर क्लिक करके वो नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आपको बताता हूँ आपको जो कॉल रिकॉर्ड है वो सुननी कैसे। सुनने के लिए यहाँ पर आपको चले जाना माई फाइल्स पे, उनमें माई फाइल्स तो होंगी होंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके फ़ोन में ऐसा कुछ फोल्डर बना होगा माई फाइल्स का, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है इंटरनल स्टोरेज पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कॉल्स का एक फोल्डर बना होगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करते रहें। इसके ऊपर आप क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग को सुन पाओगे। और एक और तरीका है कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने का, तो सिंपली यहाँ पर आपको चलना है डायलर पर। डायलर पर क्लिक करने के बाद तो मान लो यहाँ पर ये वाला नंबर है जो रिसेंट्स में है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग ओपन करनी है, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नीचे टुडे यहाँ पर लिखा होगा, माइक का एक साइन बना होगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक बार और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड आपको सुनने लग जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पर इसको कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर पाओगे और सुन पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।